तो गाइस आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक इज हैक्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूट्यूब के रिसेंटली लॉन्च हुए ऐप जिसका नाम है यूट्यूब क्रिएट। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं और आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करें इस ऐप की, तो दोस्तों ये ऐप हमें पूरे तरीके से फ्री देखने को मिलता है। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला है, देव मानुष निकला। इसको यूज करने का हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें सारे फीचरों का एक्सेस मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अगर मैं आपको कम शब्दों में बताऊं तो ये एक बेसिक एडिटिंग यूट्यूब का ऐप है जो यूट्यूब की तरफ से आता है, जिसके अंदर हम यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट 16:9 और शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट 9:16 दोनों तरह की वीडियो एडिट कर सकते हैं काफी सारे फीचर्स के साथ। दोस्तों फीचर्स की बात हुई तो हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वीडियो एडिटिंग फीचर्स के जो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमारी प्रोजेक्ट फाइल है उसे हम ड्रैग कर सकते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, उसके अंदर अनवांटेड चीजों को डिलीट कर सकते हैं कट करके, वहां से फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, एडजस्टमेंट वीडियो की स्पीड, हमारी वीडियो की ऑडियो अगर काफी ज्यादा खराब है तो इसका एक खास फीचर आता है, वो आता है ऑडियो क्लीनअप। उसकी हेल्प से हम अपनी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हम रोटेट, रीअरेंज, डिलीट डुप्लीकेट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और ये सारे फीचर जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिक एडिटिंग फीचर्स हैं। इसके अंदर कुछ भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो या फिर कोई हमें प्रीमियम एडिटर आते उनके जैसा कोई फीचर मिला हो, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो या फिर फिल्मोरा इनके जैसा कोई खास फीचर देखने को मिला हो। ये सिर्फ एक बेसिक एडिटिंग फीचर्स हैं जो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके साउंड एडिटिंग फीचर्स की। तो इसके साउंड गैलरी में हमें काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है म्यूजिक का ऑप्शन। तो इसके अंदर हमें कॉपीराइट फ्री म्यूजिक देखने को मिलता है यूट्यूब की तरफ से, जो हम अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इस म्यूजिक को यूज़ करने का हमारे चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना हमारे चैनल पर कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा या फिर कोई स्ट्राइक आएगी, ये हमें पूरे तरीके से कॉपीराइट फ्री देखने को मिलता है। इसका जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है साउंड इफेक्ट। तो इसके अंदर हमें साउंड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। और अगर आपको अगर खुद की वॉइस यूज करनी है वीडियो के अंदर तो इसके अंदर आपको माय म्यूजिक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी खुद की वॉइस डाल सकते हो और वहां से अपनी खुद की वॉइस यूज में ले सकते हो। और इसके अंदर ऑडियो के अंदर हमें काफी शानदार फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है फाइंड बीट्स। दोस्तों ये बीट्स को सिलेक्ट कर देता है जिससे हमें एडिटिंग में काफी हेल्प मिलती है। जैसे हम काफी चौपी एडिटिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हमें बार बार कट लगा के नई वीडियो नई, जैसे आजकल हम शॉर्ट्स या रील्स के अंदर नहीं देखते, बहुत जल्दी जल्दी नई नई फोटो आ रही है वीडियो के म्यूजिक के हिसाब से, तो उसमें भी ये हेल्प काफी करता है उस तरीके की एडिटिंग में, ये इसका बीट्स वाला फीचर। और जो वीडियो एडिटर आते हैं उनमें हम वॉइस ओवर का ऑप्शन देखने को मिलता है, वही ऑप्शन हमें इसके अंदर भी देखने को मिलता है। हम भी इसके अंदर डायरेक्ट वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमें इसके अंदर फेड इन फेड आउट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और इसके कुछ खास फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें पिक्चर एंड पिक्चर या पिक्चर ओवरले का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे हमें एडिटिंग में और भी काफी वेराइटी देखने को मिलती है। इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, स्टिकर ऐड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में हम कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ऑटो कैप्शन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और जब हमारी पूरी वीडियो तैयार हो जाए तो हम उसे डायरेक्टली यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के इस एडिटर के अंदर से ही। और भी कई वीडियो एडिटिंग ऐप आते हैं जैसे कैपकट जैसे ऐप आते हैं, क्या उनसे बढ़िया है? तो इसका जवाब है नहीं। ये एक बेसिक एडिटर है, यानी कि जिन लोगों ने अभी अभी एडिटिंग स्टार्ट की है उन लोगों के लिए काफी बढ़िया ऐप है ये। दोस्तों ये काफी सिंपल टू यूज है, इसके अंदर हम इजीली अपने कंटेंट को इजीली अपने प्रोजेक्ट को हम एडिट कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। और खास तौर पे जो मोबाइल से एडिट करते हैं उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर आते हैं चार्ज करते हैं अपना, बट ये किसी भी तरह का चार्ज नहीं करता है, यही इसकी सबसे खास बात है। और ये YouTube की तरफ से आता है तो ये पूरे तरीके से ट्रस्टेड भी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।